तस्वीरें सीहोर के सलकनपुर से हैं, जहां आपको बता दें कि देवी लोक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और यहां पर महाकाल लोक की तर्ज पर भव्य देवीलोक बनाया जाएगा। देवीलोक का भूमि पूजन 211 करोड़ में भव्य देवीलोक बनेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ इस महोत्सव में पहुंचे हैं। तो सलकनपुर में देवीलोक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और देवीलोक का भूमि पूजन हो रहा है। और आपको बता दें कि ये पूरा परिसर, पूरा क्षेत्र विकसित किया जाएगा। करीब 211 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ इस महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये भव्य आयोजन है। सीहोर स्थित सलकनपुर धाम में यह आयोजन हो रहा है। तो बता दें कि उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर सीहोर जिले के सलकनपुर में देवीलोक का निर्माण कराया जा रहा है। देवीलोक में देवी के 9 रूपों और 64 योगिनियों को शास्त्रों में वर्णित कथाओं के साथ आकर्षक रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और आज इसकी आधारशिला रखी जा रही है। इस प्रोजेक्ट की करीब 211 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे। और इतना ही नहीं, यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 211 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा और माना जा रहा है कि देवीलोक के निर्माण के बाद यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आसपास के क्षेत्र को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर लौटेंगी या दौड़ेंगी। और सबसे खास बात की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके हिसाब से ही इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी यहां पर स्थापित हैं सलकनपुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं सलकनपुर से। भव्य देवीलोक महोत्सव का आयोजन आज सलकनपुर में हो रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर में देवीलोक विकसित किया जाएगा। इसकी आज आधारशिला रखी जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। देशभर से साधु संत इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मंच पर साधु संत मौजूद हैं। आज देवीलोक की आधारशिला रखी जा रही है और ये भव्य आयोजन देवीलोक महोत्सव का हो रहा है।
हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। हिंदू है हिंदू हम बस राम की बात करें। आहा एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। एमपी का हिंदू अब शिवराज की बात करे। कौन कौन प्यार करते हैं शिवराज जी से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जो जो प्यार करते हैं, दोनों हाथ उठाना। ये आप ही के प्यार के कारण है कि भगवान उन्हें और फुर्ती दे रहा है और तेजी दे रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के जरा 1 2 3 4 तो आपको बता दें कि सलकनपुर में प्रसिद्ध देवीधाम सलकनपुर में 3 दिनों का देवीलोक महोत्सव आयोजित हो रहा है। ये ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के। 29 से 31 तारीख तक महोत्सव का आयोजन है। आज महोत्सव का तीसरा और आखिरी दिन है और आज आधारशिला रखी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो किसी और को भी भेज देते पहुंचे हैं, लेकिन खुद भी आए और साथ में परिवार भी लाए। क्यों? ऊपर से नहीं है मां, लोग मौका परस्त लोगों से ध्यान रखना। जैसे चुनाव आते हैं मैया मैया करते हैं, एक हमारे मुख्यमंत्री जी 18 साल से मैया मैया क्या बचपन से मैया करते आ रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा कर ये बात। ऊपर से नहीं है मां, अंदर से मां के है। ऊपर से नहीं है मां, अंदर से मां के है। बस इसीलिए शिवराज आहा, बस इसीलिए मामा बंदे कमाल के है। इसीलिए मामा बंदे कमाल के है। इसीलिए मामा बंदे कमाल के है। जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, ताली बजा कर कह दो ये बात। सीहोर में फिर से हम, सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम भगवा लहराएंगे। सीहोर में फिर से हम सजाएंगे। महाकाल सजाया है सलकनपुर सजाएंगे। सजेगा कि नहीं सजेगा, आवाज नहीं आई। सजेगा कि नहीं सजेगा, सजेगा कि नहीं सजेगा। एमपी में फिर से हम, एमपी में फिर से हम मामा को लाएंगे। एमपी में फिर से अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा, अब लहराएगा भगवा। क्यों? शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे। कौन कौन भरोसा
भरोसा करता है, दोनों हाथ उठा के भरोसे की, ये मुट्ठी बंद करना दोनों हाथ उठा के और गाओ मेरे साथ एक बार। शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आएंगे। एमपी में संतों की नगरी को, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे, संतों की नगरी को शिवराज चलाएंगे। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया, प्रधानमंत्री चौकीदार बनने को तैयार है तो नारा हमें लगाना पड़ेगा और आवाज आपको देनी पड़ेगी जय श्री राम की। मैं कहूंगा जागते रहो, आपने कहना जय श्री राम, जागते रहो, जागते रहो, जय श्री राम, जागते रहो, जय श्री राम। जाग गया इस बार हिंदू, जाग गया, शिवराज जी आए हैं, शिवराज ही आएंगे, शिवराज ही आए हैं, शिवराज ही आएंगे। मैं सदैव दिल से बोलता हूं और मैं सदैव दिल से बोलता हूं और सिर्फ उसी जगह जाता हूं जो धर्म से जुड़े लोग होते हैं और जो सच्चे हैं, ईमानदारी से अपना काम करना जानते हैं, जो मौका परस्त नहीं। मैं सिर्फ वहीं जाता हूं। मुझे फोन आया एक हफ्ते पहले कि आपने आना है, मैंने पहले मना कर दिया, फिर बोले शिवराज जी का कार्यक्रम है, मैं बोला मैं पक्का आऊंगा, क्योंकि जो आदमी दिन रात लगा हुआ है अपने मध्य प्रदेश के लिए, अपने सनातनियों के लिए, उसके लिए हम भी चल पड़े साथ तो क्या कोई दिक्कत है क्या? दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं, बेटी को लाडली का जो दर्जा दिलाए हैं। एमपी में फिर से हम, मध्य प्रदेश में फिर भगवान लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे, एमपी में फिर से हम भगवान लहराएंगे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। देखो भोलेनाथ भी एक ही नाम जपते हैं राम, और हमारे शिवराज जी भी यही नाम जपते हैं। दोनों हाथ उठाना, आप भी जपो जरा, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, दोबारा मन हो गया। तूने मुझे बुलाया शेरावाल,